नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी हिस्ट्री की क्लास है और आधुनिक भारत चल रहा है, तो आज मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैसूर राज्य। तो इसके बारे में आपने सुना होगा निसंदेह रूप से, यहाँ के दो सुल्तान हुए आपके, एक थे आपके हैदर अली और दूसरे आपके कौन थे, टीपू सुल्तान। तो दोनों ये काफ़ी फेमस थे बहादुरी किस्से, इनको इन भारत का शेर भी कहा जाता है, और अंग्रेजी शासन से इन्होंने जो है वो डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप युद्ध भी हुए अंग्रेजों से इनके खिलाफ, और उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आपका, मैसूर राज। तो इस टॉपिक में हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ भी देंगे, जो एग्ज़ाम से दृष्टि से आपकी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये आपका मैसूर राज है क्या, कहाँ पर है ये। तो ये दक्षिण भारत के दक्कन टेप में जो है वो स्थित एक बहुत ही उस समय का एक शक्तिशाली राज था ये, और पहले यहाँ पे जो है हिंदू शासक हुआ करते थे, और उन्हीं शासन के दौरान जो है वो एक था आपका हैदर अली, जो उस समय की सेना में जो है वो एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी योग्यता के चलते वो कई महत्वपूर्ण पदों तक पहुँचा, और अंत में क्या हुआ कि वो मैसूर राज्य का जो है वो शासक बन गया। तो मैसूर वर्तमान में आपके कर्नाटक और उसके आसपास के एरियों को लेकर के, और उस समय जो है वो एक मैसूर राज्य हुआ करता था। देखें हम नक्शे में देख सकते हैं जहाँ हमारा कर्नाटक है, और कर्नाटक का पहले नाम जो था मैसूर ही था, है ना, कर्नाटक नाम तो फिर बाद में उसको मिला। तो कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिला करके जो है वो एक राज्य था, उसका राज्य का क्या नाम था, मैसूर राज नाम था उसका। तो चलिए हम चलते हैं, ये हमने बस बता दी, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। या ये एक हिंदू राष्ट्र से बताया हमने कि ये जो है वो एक हिंदू राष्ट्र था, और 1760 में हैदर अली ने जो है वो वहाँ के एक शासक थे नंजराज, उनको हटा करके जो है वो सत्ता जो है वो प्राप्त कर ली। तो कब बना ये, 1760 में, 1760 में जो है वो हैदर अली जो है वो मैसूर राज का शासक बना। और हैदर अली के बारे में हमने बताया कि प्रारंभ में क्या था, एक सैनिक था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर जो है वो क्या बन गया, उसी राज्य का जो है वो, उसी साम्राज्य का जो है वो शासक बन गया, सुल्तान बन गया। और हैदर अली ने भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता रहता है, हमने सुना होगा रॉकेट प्रणाली या पक्षपास्त्र मिसाइल। तो भारत में जो है वो रॉकेट प्रणाली का आविष्कार करने का श्रेय जो है किसको जाता है, हैदर अली को जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में रॉकेट प्रणाली का आविष्कार जो है वो किसने किया, हैदर अली ने किया। और आगे हम चलते हैं, तो आपका ये है 1782 में द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के बाद जो है हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो गई, है ना। तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के बाद जो है हैदर अली जो है वो हार के सदमे से मर गया, और हैदर अली के बाद जो है उसका पुत्र कौन, टीपू सुल्तान जो है वो ये मैसूर का जो है वो शासक बना। अब हम बात करते हैं कि इनको, इनसे जो है अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और वो अपने शासन का क्या कर रही थी, विस्तार कर रही थी। तो उसके विस्तार में जो है सबसे बड़ा रोड़ा कौन थे आपके, ये मैसूर राज था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैसूर राज से जो है वो अंग्रेजों की जो है वो टकराहट हुई, और आपके चार युद्ध भी हुए जिनका हम अभी उल्लेख करने वाले हैं। तो उस समय फ्रांसीसी भी थे यहाँ पे, है ना, तो एक प्रकार से फ्रांसीसी किसके दुश्मन हो गए, अंग्रेज के। परिणाम स्वरूप क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी जो है वो मैसूर राज की क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। और उसी समय पास में जो है वो हैदराबाद के निजाम थे आपके, और उस समय जो है मराठा भी जो है वो एक शक्तिशाली रूप में तो नहीं थे ज़्यादा, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका में जो है वो सक्रिय थे दक्षिण भारत में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, तो इस टकराहट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चार युद्ध हुए, कितने युद्ध हुए, चार हुए। आंगल, तो आंगल में इसको बोलते हैं, अंग्रेजों को बोलते हैं आंगल और मैसूर के बीच में। तो चलिए हम युद्ध के बारे में मान लें, तो एक तो ये पूछ रहा कितने युद्ध हुए, टोटल कितने युद्ध हुए, चार युद्ध हुए।
अब हम थोड़ा सा युद्धों से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो पहला युद्ध क्या हुआ आपका, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, तो ये कब से कब तक हुआ आपका, ये 1767 से 1769, तो 1767 में हैदराबाद के निजाम और मराठा और अंग्रेजों तीनों ने जो है वो मिल करके क्या किया, मैसूर राज पर जो है वो आक्रमण कर दिया। माने एक तरफ तीन थे, कौन कौन थे, अंग्रेज थे, मराठा थे और हैदराबाद के निजाम थे। उन्होंने क्या किया कि मैसूर राज पर जो है वो हमला कर दिया, और मैसूर का शासक कौन था उस समय, कौन था, हैदर अली था, है ना, कर दिया। अंग्रेजों की कमज़ोर स्थिति, लेकिन ये देखने में आया कि अंग्रेज वो काफ़ी सफलता से, काफ़ी वीरता से हैदर अली ने इसका सामना किया और अंग्रेजों की स्थिति जो है युद्ध में कमज़ोर होने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक संधि हुई, वो संधि कौन सी है आपकी, मद्रास की संधि। अंग्रेजों को मजबूर होकर के मद्रास संधि करनी पड़ी और एक प्रकार से जो है वो, इस प्रकार से युद्ध जो है वो, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी होता है किस संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि के परिणाम स्वरूप। फिर अभी युद्ध ठहरे नहीं, टकराहट बनी रही, परिणाम स्वरूप जो है वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ। कब हुआ, 1780 से 1784 के बीच। तो इसमें देखते हैं 1780 में हैदर अली और अंग्रेजों, है ना, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ये पूछा गया एग्जाम में, तो आयरकूट था, है ना, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, आयरकूट था। तो अंग्रेज 1780 में हैदर अली और अंग्रेजों के सेनापति आमरकूट के बीच जो है वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो है वो शुरू हुआ। तो पूछे कब शुरू हुआ, ऐसे पूछ सकता है, 1780, उसमें पूरी अवधि का मतलब नहीं है ना, केवल शुरू होने की बताना है। 1781 में जो है आयरकूट ने जो हैदर अली को जो है वो पराजित कर दिया, जो अंग्रेज सेनापति था आयरकूट, उसने, उससे क्या हो गया, हैदर अली जो है वो पराजित हो गया। और इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में जो हैदर अली जो है वो घायल भी हो गया था, तो एक तो घायल था और दूसरा जो है वो पराजय का उसको जो है बहुत बड़ा सदमा लगा, और इसी सदमे के चलते जो है वो 1782 में जो है वो क्या हो गया, हैदर अली की जो है वो मौत हो गई। इस प्रकार से हैदर अली समाप्त हुए, और हैदर अली के बाद जो है वो उसका पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान। तो हैदराबादी है आपके हैदर अली के बाद जो उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो अगला शासक बना। और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है, राजधानी क्या थी इनकी, मैसूर की, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी। तो राजधानी में सत्ता प्राप्त करते हुए टीपू सुल्तान ने एक उपाधि धारण की थी, वो क्या थी आपकी, पादशाह की उपाधि, क्या उपाधि थी, पादशाह की उपाधि धारण की। इसी प्रकार से टीपू सुल्तान जो है वो उसके फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे, और उसी समय जो है वो फ्रांस की क्रांति हुई थी जो सफल रही थी, तो उसी सफलता से प्रेरित होकर के और फ्रांस से अपने संबंध टीपू सुल्तान ने क्या किए, और मजबूत किए। और वहाँ की एक संस्था थी, फ्रांसीसी संस्था थी, वो क्या थी आपकी, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब की जो है वो टीपू सुल्तान ने सदस्यता भी ली, और इस उत्साह में जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक जो है वो वृक्ष लगाया, तो अभी भी लगा हुआ है, और उसका क्या नाम रखा गया, स्वतंत्रता का वृक्ष। क्या नाम रखा गया, सबसे तेज से बोलिए, स्वतंत्रता का वृक्ष। अगर उसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, एक तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पे लगाया गया है, श्रीरंगपट्टनम में, और किसने लगाया, ये टीपू सुल्तान ने। तो इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आते हैं तो गलत तो नहीं होंगे ना आप, है ना, बनने चाहिए आपसे, तभी भाई मेहनत सफल होगी। गर्मी है, पंखे बंद हैं, है ना, पसीना आप लोग को भी आ रहा होगा, आ रहा है ना, लग रही गर्मी, और हमको भी, हम तो बोल रहे हैं तो और गर्मी लग रही है ना। चलिए आगे चलते हैं, अभी युद्ध टले नहीं, है ना, अभी युद्ध टले नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, मैसूर राज को ख़त्म कर देना, है ना,
और इसके लिए वो जो भी करना पड़े, षड्यंत्र करना पड़े, कूटनीति, जो भी साम दाम दंड भेद, हर नीति का प्रयोग करने के लिए अंग्रेज जो है वो प्रसिद्ध थे। तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान तो शासक बन गया, अंग्रेजों ने अब क्या आरोप लगाया टीपू सुल्तान पे कि आप जो है भाई, था भी ये, दिख भी रहा था ये वृक्ष लगाना और वो इनकी जेकोबिन का क्लब का सदस्य बनना। तो इसके आधार पर जो है वो अंग्रेजों ने आरोप लगाया किस पर, टीपू सुल्तान पर, जो काफ़ी हद तक सही भी था कि आप जो है वो फ्रांसीसियों से साठ गांठ कर कर करके हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, है ना। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया, ये कहते हुए जो है वो मैसूर पे हमला कर दिया। और इसी के पहले क्या किया अंग्रेजों ने, एक रणनीति और अपनाई, एक संधि की, वो संधि क्या नाम है, त्रिगुट संधि, कब की गई, 1790 में। तो अंग्रेज निजाम हैदराबाद के और मराठा, इनके बीच में एक त्रिगुट संधि की गई कि आप जो है वो हमारा साथ देंगे। अंग्रेजों ने ये कहा कि आप जो है वो मराठा और निजाम से कि आप जो है हमारा साथ देंगे, और ऐसा हुआ भी। अंग्रेजों ने एक प्रकार से ये हुआ कि टीपू सुल्तान की स्थिति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज थे, हर नीति का उपयोग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को जो है वो एक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और वो संधि कौन सी थी, श्री रंगपत्तनम की संधि थी। और कब हुई थी, 1793 में हुई थी, किसके बीच हुई थी, हाँ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, टीपू सुल्तान अंग्रेजों। इसमें वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस बादशाह था। और ये संधि के तहत जो है वो काफ़ी अपमानजनक शर्तें जो है वो टीपू सुल्तान को स्वीकार करनी पड़ी। क्या क्या किया उसने, पहला तो क्या किया, आधा मैसूर राज जो है वो अंग्रेजों को दे दिया, बहुत बड़ी बात है ना, माने 50% मैसूर राज किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। फिर अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि आपने युद्ध थोपा है ये, तो आप इसका हरजाना भी दो, तो 3 करोड़ जो है वो हरजाना भी दिया। और आगे से जो है वो इस तरह की गतिविधि न करने के लिए अपने दो पुत्रों को अंग्रेजी शासन को जो है वो बंधक के रूप में सौंप दिया। तो ये इतिहासकार लिखते हैं कि श्री रंगपत्तनम की संधि जो है वो मैसूर राज के लिए एक जो है वो बहुत बुरी संधि हुई है, और इस संधि के बाद जो है मैसूर राज की आर्थिक सामाजिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। फिर देखते हैं, फिर युद्ध हुआ, किसी प्रकार से टीपू सुल्तान ने जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर संगठित हुए, और चौथा युद्ध हुआ, वो क्या कहलाता है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। कब हुआ, 1799 में। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान जो है बड़ी बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए जो है वो मारा गया, या अंग्रेजों के खिलाफ था तो उसको शहीद भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो निसंदेह रूप से टीपू सुल्तान जो है वो एक बड़ा ही हिम्मत और साहसी शासक था, और 1799 में जो है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में जो है ये मारा गया। तो इससे क्वेश्चन बना है आपका, कई जगह बना है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध के बाद युद्ध में मारा गया और कब मारा गया। तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में मारा गया था, और कब मारा गया था, 1799। बोलिए कसके, 1799 में कौन मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। और उस समय जो है वो आपके कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो कौन थे आपके, लॉर्ड बेलेजली उस समय जो है वो कंपनी के गवर्नर जनरल थे। और इस प्रकार चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के बाद जो है वो एक दक्षिण भारत के एक प्रमुख वंश, प्रमुख राज्य मैसूर राज का जो है वो अंत हो गया। तो ये कैसा लगा वीडियो में, कहानी के रूप में इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, हमने केवल वही फैक्ट बताए हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। एक क्लास कौन सी है, हमारी हिस्ट्री क्लास है आपकी, 41वीं क्लास है हिस्ट्री की, और ये आधुनिक भारत का इतिहास। लड़के बोलते हैं बहुत कठिन लगता है, लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है कि कठिन है ये, अगर इनको हम लगन से पढ़ें, रुचि से पढ़ें, तो एक प्रकार से इतिहास जो है वो बीते हुए कल की एक कहानी है। तो कहानी है, और उसमें सिर्फ नमक मिर्च की तरह जो है हम इनको क्या करना है, कुछ फैक्ट याद रखना है। राजाओं के नाम थोड़ा सा दिमाग में रखें, कोई सन है तो उसको दिमाग में रखें,
तो एक कहानी के रूप में हम इसको, कभी भी कोई हमसे पूछे तो हम इसको बता सकते हैं। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। और हाँ, बता दूँ, अगला मेरा वीडियो जो है वो आपका मुख्य रूप से जो आपके सिख गुरु थे, है ना, तो सिख गुरु और एक प्रकार से उस समय जो थे आपके मुग़ल भी थे, है ना, तो मुग़लों के बीच में जो भी एक टकराहट थी और उस टकराहट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दो सिख गुरु जो है वो मुग़लों द्वारा फांसी दे दिए गए, मरवाए गए हैं। तो उसी के बारे में, अर्जुन देव और तेग बहादुर, है ना, दो मरवाए गए, तो उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो आपका कह सकते हैं कि सिख, देख लेते हैं, हाँ, आंगल सिख संबंध, है ना, अगला टॉपिक हमारा होगा आंगल सिख संबंध, जिसमें मुग़ल भी आएंगे आपके। और इस टॉपिक में हम जो है वो जो सिख गुरु हुए, कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए, तो 10 गुरुओं के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, किसने कोई जो महत्वपूर्ण काम किए उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वही बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।